कुमार रेड्डी क्या बल्लेबाज, क्या ऑलराउंडर मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को, लेकिन साथ ही में ना इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका हैदराबाद के लिए। ये दूसरे अर्धशतक तक का सबसे अच्छी बात क्या लगी कि बड़े गेंदबाज को टारगेट किया, चहल को टारगेट किया, अश्विन को एक ही ओवर में दो छक्के लगाए। भाई अगर अपना नाम बनाना हो ना इंडियन क्रिकेट में तो इंडियन क्रिकेट के गेंदबाज जो क्वालिटी के गेंदबाज है, अश्विन तो 500 विकेट लेके बैठा हुआ है यार, चहल कितना एक्सपीरियंस वाला गेंदबाज है, मास्टर माइंड है भाई, उसको आपने इस तरह से टारगेट किया। अगर आप बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे तो आपका नाम होगा। आज नीतीश कुमार रेड्डी ने बिल्कुल वही किया और उसकी गेंदबाजी मत भूलिए, आने वाले वक्त में ना ये आपको जबरदस्त ऑलराउंडर बन के उभरेगा और अच्छे इंडियन क्रिकेट को सर्व कर सकता है, लेकिन बशर्ते उसको ना प्रॉपर वो रोड मैप बना के प्रॉपर इंडिया के मैचेस प्रॉपर ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खिला के उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यंग लड़का है। आप नटराजन की वो 18वीं ओवर बहुत क्रूशियल थी, सिर्फ 7 रन आए, हेटमायर को आउट किया, वहां पे मैच को लगभग सील किया, फिर भुवनेश्वर कुमार ने बाकी काम किया। बहुत ओवरऑल अच्छी कप्तानी भी थी वहां पे पैट कमिंस की। ये इतनी इंपॉर्टेंट विन थी सनराइज हैदराबाद के लिए कि अब ऐसा लग रहा है कि लगभग टॉप 4 में उनकी जगह बन जाएगी। लेकिन ट्रेविस हेड की इनिंग, उसकी स्ट्राइक रेट पे बात नहीं करोगे,